कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था, कबीर परमेश्वर जी ने, कि धर्मदास जी कह रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते क्योंकि हम मांस नहीं खाते, और कबीर परमेश्वर जी एक मुसलमान की वेशभूषा में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में विराजमान थे। तो धर्मदास जी ने टोंट कसा था कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों की तरह जीव हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, जीवों को मारते नहीं। तो परमेश्वर ने कहा था, वो तो अच्छी बात है कि आप जैसे गाय बैल बकरे जो टेंडर नहीं मारते, लेकिन और भी पाप बहुत होते हैं आपसे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो पृथ्वी पर आप काम वस जा रहे हो, तो 1 करोड़ जीवों को डेली मार के विश्राम लेते हो, अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए जो उधर जाते हो। सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे वो नित्या। जो चूल्हा लीप के प्रतिदिन चूल्हे के आसपास पहले गोबर से लिपया करते, गार से, ये इतना क्षेत्र में जो तुम लिपाई करते हो, तो इतना पाप है आपको, 70 ब्राह्मण मार दिए। ब्राह्मण माने भक्त। वैसे तो किसी की जीव हत्या कर दे, किसी मनुष्य की हत्या कर दे तो महापाप है, लेकिन भक्त की हत्या करना और घोर पाप है। अब जैसे पोचा मारते हो आप जी प्रतिदिन, आजकल जब फिनाइल से लगाया जाता है, वो किस लिए लगाया जाता है कि वहां कीटाणु नाश कर दिए जाए, वो कीटाणु मरे जो हानिकारक होते हैं। तो वो जब तक आप सतगुरु कबीर परमेश्वर जी की सत साधना पूरे संत से लेकर नहीं करते, नकली संतों से नहीं, जिनके पास ये सच्चा नाम हो जो दास देता है, तो तब तक आपके दोनों ही पुण्य और पाप भिन्न भिन्न लिखे जाएंगे, और वही आपको भोगने पड़ेंगे। फिर सारे के सारे पुण्य भी मिलेंगे। जैसे हाल ही का उदाहरण दिया कि उसने जो 1 अलाई में इतने जीव मार दिए कि 1000 कसाइयां जितना पाप हो गया, फिर उसके द्वारा बीजी गई खेती से कुछ ऐसे दाने नीचे गिरे ऑटोमेटिकली, वो जीवों ने खाए, वो पुण्य हो गया। तो वो पुण्य और वो पाप अलग अलग लिख दिए, पुण्य थोड़े और पाप गणे। तो ऐसे ही आप पोचा लगाते हो या अपने काम वश जाते हो, तो सभी आपके पैरों के नीचे प्राणी मरते हैं, और ऐसे जीव हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, हवा में है, वह भी मारे जाते हैं। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, आप देखोगे आपका कपड़ा भी मैला हो जाता है, उस हवा में उड़ रहे अदृश्य जीवों के द्वारा उनकी मृत्यु आपके छाती पर मुंह पर सब लग लग के मर रही है। पंखा चलाते हैं, पंखे में भी जीव मर रहे हैं। अग्नि जलाते हैं, अग्नि में भी जीव मरते हैं। आटा गूंथते हैं, आटा उसमें भी, सब्जी बनाते हैं उसमें भी। तो ये उन भक्तियों से ये समस्या हल नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से आपके ऊपर क्या होगा कि ये जो पाप तो हैं, लेकिन उनको करना उद्देश्य नहीं,
तो वो पाप आपका नहीं लगेंगे, उनको लगेंगे जो इस दास के द्वारा बताई गई साधना नहीं कर रही, उनको तो पूरे लगेंगे, उनके बैंक अकाउंट में लिखा ही जाएगा वो। और इससे नहीं लगेंगे, कति इच्छा कर मारा नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगाओ। इच्छा कर कैसे मारे, जैसे शिकार खेलते हैं या वैसे कोई बैट देते हैं कि कोई की तो बकरे चढ़ावे हैं कि तो भोग चढ़ावे हैं कि तो झोटे काट कर डाले जाते हैं मंदिरों में, या ये मुसलमान भाई ईद बकरीद मनाते समय जीव हिंसा करते हैं, ये तो है नोविंगली जान के करते हैं, ये तो पाप लगेगा। इच्छा कर मारे नहीं, अर्बन इच्छा मर जा, ये बात चल रही हूं अपने काम के उद्देश्य के लिए, आपकी आपका इच्छा आपका मारना इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने आप मर रहे हैं तो मरने दे, लेकिन सावधानी अवश्य बरते। जैसे सामने आप जा रहे हो और चींटियों की लाइन है या इन मकोड़ों की चिट्टों की जो लाइन है और वो बहुत बिखरे हुए हैं, तो उससे बचने की चेष्टा करें, और बचने की चेष्टा नहीं बच पा रहे हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव करके उनके ऊपर से निकल जा, फिर भी कोई मरता है तो आपको दोष नहीं। तो परमात्मा की भक्ति से क्या होगा कि आप जी के जो प्रतिदिन आपसे जो अनजाने में पाप हो रहे हैं वो इन जाप करने से प्रभु भगवान की जो भक्ति आपको दी है परमात्मा की, और प्रतिदिन जो आप नितने वाणी बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, इनसे आपके प्रतिदिन वो पाप अनजाने में किए हुए साफ होते रहेंगे। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा प्रतिदिन मैला होता है, उसको साबुन और जल से धो लेते हो तो स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही आप जी का जो प्रतिदिन किए हुए नित्यनेम, प्रतिदिन किए हुए मंत्र भक्ति के, ये आपके ऊपर अनजाने में हुए हुए पापों को डेली साफ कर देता है। फिर शेष रहे आपके संचित कर्म, जो पहले जन्म जन्मांतर के आपके ढेर लगे हुए, तो परमेश्वर की सत भक्ति से, सतनाम से वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फूंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से ही वो संचित कर्म और ये वर्तमान के जो क्रियावान कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, ये सभी पाप कर्म परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और किसी भी साधना से इनका कर्मों का नाश नहीं होता, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। संचित भी नो के नो रहेंगे, डिपॉजिट संचित माने डिपॉजिट पहले के जन्म जन्मांतर के आपके बैंक भरे पड़े हैं वहां भगवान के दरबार में, पापों का अकाउंट और पुण्यों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा की सत्साधना से अपना मोक्ष करवाना है। अब जैसे कर्म करेगा ऐसा ही फल देगा भगवान, तो इस विधान से तो हम कभी भी पार नहीं हो सकते। और जो ये विधान इन अज्ञानी संतों ने बना रखा है कि जो भी तेरे भाग में है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इस विधान से भी हम पार नहीं हो सकते। एक इन्होंने विधान बताया है, जैसे देवी भागवत में आप जी ने पढ़ा था कि बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं और इन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, तो वो कह रहे हैं कि जैसा भी जिसका पुण्य है पाप है वो भोगने से अक्षीण होगा, दुख आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपके पाप नाश हो रहे हैं दुख भोग के, और पुण्य आपको मिल रहे हैं तो आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं उन सुखों को भोग के। ये प्रोसीजर है इन तत्वज्ञानहीन ऋषि महर्षियों और प्राणियों का। अगर इस विधान से हम चले तो कभी सुख नहीं हो सकता और कभी मोक्ष नहीं हो सकता। सुख भी भोगे खत्म होंगे और पाप भी भोगने से समाप्त होंगे, तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक दिन में करोड़ों पाप करके विश्राम लेते हैं,
और पुण्य होता ही नहीं, क्योंकि वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, वो शास्त्र विरुद्ध साधना जो वर्तमान में चल रही है, पहले तो चलो शास्त्र अनुकूल साधना करते थे और नाम का जाप था और यह गमन किया करते थे, और भी फिर भी वो अनकम्प्लीट थी, फिर भी उनका कुछ आंशिक लाभ अवश्य था। अब तो हम आगे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता मां देवा ये आपका बना के गान लाइए, आप ही अपने हिसाब से ओम नमः शिवाय ये मंत्र बना लिए, ये कहीं मंत्र नहीं है किसी भी शास्त्र में। तो इस तरह की जो साधना करने से पुण्य भक्ति तो लाभ होता ही नहीं। वैसे कोई दान पुण्य हम करते हैं, चींटियों को दाने डाल दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, किधर भंडारे कर दिए, वो पुण्य आपको अलग से लिख दिए जाएंगे आपके, वो भी मिलेंगे लेकिन मोक्ष नहीं हो पाओगा, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से मोक्षदायक नहीं है। ना कोई सिद्धि हो, ना गति हो, ना ही कोई सुख हो। गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी अपनी पूजाएं करते हैं अपने हिसाब से, उनको ना तो सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो हम जो अब वर्तमान में जो साधनाएं चल रही हैं प्रत्येक समाज में, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं, तो वर्तमान में जो साधनाएं आप जी करें उससे तो कोई लाभ होना ही नहीं। तो ना तो आपके पाप क्षीण हो और ना आपको भविष्य का कोई लाभ हो, और वो पाप न के, और वो पाप आप डेली पता नहीं कितने इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपके डिपॉजिट कर्मों में लिखे जा रहे हैं, संचित कर्मों में। और परमात्मा की साधना, पूर्ण परमेश्वर की साधना से क्या होगा, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की वही पड़ा पुराने गासे। जब ही सतनाम हृदय धरो, जब आप सच्चे मंत्र सतनाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हो, आपके संचित कर्मों में ऐसे आग लग जाती है जैसे 1000 टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक चिंगारी माचिस की तिल्ली लगा दी जावे, वो पूरे घास को जलाकर ढेर कर देती है, यानी उस सारे घास का नाश कर देती है। फिर चले तेज हवा इधर उधर से और वो साफ स्थान साफ हो जाता है। तो पुण्यात्मा, जब आपके पाप क्षीण हो जाएंगे फिर आपके अंदर एक प्रेम जागेगा, आपको छोटी सी चर्चा माल की शुरू होते ही आंखों में आंसू आऊंगी, जल भरा होगा आपका। तो फिर वो उस पाप के जलने के बाद ऐसी स्थिति होगी, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल कह तेज नयारे। कि आपके ऊपर पाप कर्मों का ऐसे साया जमा हुआ है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं बादल, और सूर्य विद्यमान होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते, अंधेरा छा जाता है। और कहते हैं फिर तेज हवा चलती है, परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं तेज हवा चलती है तो बादलों को तित्र बितर कर देती है, और फिर सूर्य का प्रकाश आपके सामने बहुत ज्यों का त्यों होता है। यानी परमात्मा को निराकार बताने वालों ने, इसलिए परमात्मा को निराकार बता दिया कि उनके पास वो साधन नहीं था, उनकी भक्ति वो नहीं थी जो आत्मा और परमात्मा के बीच में कर्मरूपी बादलों को दूर कर दे, हटा दे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल कह तेज नयारे। तो परमेश्वर की सत भक्ति से आपके पाप कर्म जल जाएंगे, और पाप कम हो जाएंगे तब रुचि बढ़ेगी प्रभु में, आपकी आत्मा जो है परमात्मा की चर्चा चलते ही गदगद हो जाएगी, आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी, प्रेम की पवन करे चित मंजन,
फिर जल के तेज नजारे। तो इस प्रकार हमारे ये पाप जो संचित वो समाप्त हो जाएंगे। और जो प्रारब्ध कर्मों में हमें कोई भयंकर हानि होनी है वो भी सत साधना से हमारी कम होगी, समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगी। और छोटी मोटी होगी तो वो हमारी भक्ति की कमजोरी से ही होगी, यानी भक्ति कम कर पाओगे या विश्वास कम होगा या कोई मर्यादा भंग हो जाएगी, तो उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तय छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। तो इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को सुचारू करना है। कबीर धूम धाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा भई जननी जन गई बांझ। अब क्या बताते परमात्मा, अब पहले तो बताया कि 3 घंटे तो कम से कम भक्ति आपने करनी चाहिए, 3 घंटे में तो आपका काम बने जाएगा। अब यहां कह दें कि एक घड़ी भी 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट और, कहते 24 मिनट भी अगर तू भक्ति सत भक्ति सत नाम की सत्य नाम का जाप नहीं कर रहा, नाम लेकर भी तू अपना जीवन सोचने बर्बाद कर रहा है अपने आत्माओं, क्योंकि जब एक घड़ी शुरू हो गया तो अंदर के हमारे जो पाप खत्म होने लगेंगे और फिर रुचि इतनी बढ़ जाएगी, फिर घड़ी घड़ी को नहीं याद रहे, फिर तुम दिन रात सपने में भी मालिक याद आने लग जाए। तो यहां घड़ी इसीलिए कहा है परमात्मा ने कि एक बार ये शुरू तो करें, एक घड़ी तो करें, 24 मिनट तो लाओ मालिक में, फिर देखना रुचि कितनी बढ़ जाए। जैसे कोई बीमार होता है और शुरुआत कर वो भोजन नहीं खा पाता, रोटी कड़वी लगती है, सेब संतरे किशमिश सब कड़वे लगते हैं, और फिर उसको ना वो कड़वी दवाई ही दी जाती है, जैसे कुनीन दी जाती है, वो ना चाहते फांके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो दवाई शुरू करता है तो पहले दूसरे दिन 1-8 ग्रास रोटी का वो खाने लग जाए, रुचि बढ़ जाती है, और कुछ दिनों के बाद फिर वह रुचि इतनी बढ़ जाती है सूखी रोटी पा जाए वो भी खा जाएगा, वो भी खा लेगा। तो ऐसे ही एक घड़ी के लिए यहां इसलिए संकेत दिया है कि एक बार शुरू तो करे, फिर ये कर्मों का पाप नरम आ जाएगा, कम होगा और परमात्मा की भूख बढ़ती चली जाएगी। रात गवाई सोए करियो दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था ये कौड़ी बदले जाए। कबीर ये सपने रहन के उगड़ आए नैने, जी पड़ा लूट में जागे तो लेन न देने। परमात्मा कहते हैं कबीर ये सपने रहन के, ये रात जैसा सपना है आपको, आज आपके पास कार है कोठी है ना है तो लो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है कोई धंधा है बेटा बेटी है, जैसे हम सपने में देखते हैं ना कई बार, तो या ऐसा सपना देखते हैं कि तो कार में घूम रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, खूब मौज मार रहे हैं, और उठे तो फिर साइकिल भी कोई ना घर पे, जब आंख खुल जाती है तो देखे साइकिल भी कोई नहीं आसपास, कार के सपने आ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे ये स्वप्न हैं, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सपना समझो, और कल ये नैन उगड़ गए, कल ये आंख खुल गई यानी मृत्यु होगी, तो जग गए तो लेन न देन। अब वहां धर्मराज के दरबार में विचार आओ उसको जाकर के, बेटा था बेटी थी कहां थी, ऐतरेगी कुछ भी ना था, उन्हें धक्के खा रहा था, मतलब सपना था। तो ऐसा सपना सा बनेगा आपके साथ ही, जो आज जिसके ऊपर इस सपने में अपना जीवन बर्बाद करो, और सपने में ही आप भक्ति करोगे तो आपको लाभ होगा, इसमें ही आपको ज्ञान हो कि इससे बचाव करें इस, तो सपने में ही सुख होगा आपको। अब जैसे सभी देशी संत कहते हैं कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, संस्कार में जो प्रारंभ में कर्म है भोगना ही पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ।
तो इस भक्ति का यूज क्या है? जैसे आप सपने में दुखी हो रहे हो, आपके पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है और आप खूब स्पीड खींच रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कोई आकर उस कुत्ते का लठ मारे, रोक कर उसने लठाड़ा आ जाए, उसने एक तरफ भगा दे, तो सपने में सुख होया, उसने चैन सांस लिया, सुख का को हो बच गया भाई। तो ये सपना है, ये कर्म रूपी कुत्ते आपके पीछे पड़ रहे हैं और पूर्व संत की भक्ति से इन कुत्तों का लठ लग गए, इन पागलों के, और ये अपने दिशा बदल दे और आपको राहत मिले। तो ये सपने में भी सुख इस परमात्मा के अभी होगा, तब बात बने, अब आप खुले बस जाते ना, अरे कुछ भी ना था वो, जैसे टेंशन हो रही है, काम अड़ गया फला, जिस जो कोई टेंशन है किसी काम में रुकावट आ रही, परमात्मा सपने में ठीक करे, जब चैन है, और ये कहने पर आप तो भोगना ही पड़ेगा, सपने में दुख तो दुख रहेगा, तो वो थ्योरी ठीक है नहीं है, उनकी मन गणत है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। आजकल के 5 दिन ये जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फेरा ये ढोर चरेंगे गासे। आजकल यह 5 दिन अर्थात एक ना एक वो दिन आएगा आप जी का जंगल में वास होगा, आप जी का शरीर छूटेगा और आप जी को शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा, और फिर इस तुम्हारी जो है ना मिट्टी के ऊपर ढोर फिरा करेंगे, डंगर अंडेंगे, घूमया करेंगे, आड़ गणे जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर ये कबीर भया उदास, मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रहोगे मुश्किल से, अब आजकल तो 10 दिन में कर दें सारा काम, 17वीं वीर वर्षी वीर महीना वीर वो 13वीं भी 10 दिन में करके फारे कर दें कोई। आज आप अपने दादाजी को कितना याद करते हो, कभी कोई पूछ ले गांव को पूछ ले किसका है कहां से, फिर जब फलाने दादा का नाम कभी बताना पड़ जाए जब ना, तो कोई ना याद करता दादा जी ने, तो पुणात्माओं या भूल ला रखी काल ने, और इन काल के दूता ने हमें ऐसा उलझा रखा है कि पुत्र बिना मोक्ष नहीं, अब बेटी ने तो हम संतान भी नहीं मानते थे, ऐसी ऐसी अनजान सोच बना दी हमारी। पुणात्माओं बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं, संस्कार आपको मिलेंगे चाहे कितने पैर पीट लो। आजकल उन अज्ञानी लोगों की और फिर समाज के दबाव में हमारे भक्त आत्मा भी प्रेरित हो जाते हैं, जिसके एक दो पुत्री है तो सोचा पुत्र हो भगवान, पुत्र जरूर हो, क्योंकि वो इंजेक्शन लावे डेली, जब पड़ोसन आ जाएगी कोई रिश्तेदार आवेगा जो कहेंगे एक पुत्र तो चाहिए था, एक पुत्र तो होना चाहिए। दास जो सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, एक ठेकेदार था मदीना गांव मदीना डांगी का, और वो 65 साल की उम्र का आदमी, तो उसके 4 लड़कियां थी और बड़ी लड़की ब्याह दी, 2 लड़कियां तकरीबन सारी ब्याह शादी कर दी, फिर प्रेरणा कर दी किसी ने, कहेंगे कोई एक पुत्र तो हो, पुत्र तो होना चाहिए, तो उसकी पत्नी ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि पुत्र तो होना चाहिए। उसने कहा कि तुम मेरी, उसकी कोई मौसी की लड़की थी क्यों करके उसकी शादी करवा दी, अब वो बताओ खुद बताओ, थाने बोला जी ऐसा होगा वो फिर जुड़वा 2 लड़की होगी उसके, 5 तो पहले थी और 2-2 के और आन लागे, फिर वो छक्के मैंने तो ऑपरेशन करागा, पांडा छुटवाया उसका। तो परमात्मा कहते हैं या हमारी बौड़ी 8 से परमात्मा जो देगा वही होगा, और अगर आवश्यक होगा, अब आपके पास वो परमात्मा कबीर है, कबीर जी वो है, अगर आपके संस्कार में कोई सुयोग्य संतान होगी तो पुत्र भी दे देगा,
ना तो आज वर्तमान के 80% पुत्रों से ये माता पिता दुखी है। पुत्री तो शादी कर दी हुई पराई, यहां रहती है तब आपका पूरा काम करे, कभी आज्ञा का अवहेलना नहीं करती लड़कियां, और पुत्र छोटा ऐसा लाग जा रहा खोए अलाण ना करूं क्यों, और बेटी कभी नहीं बेचारी मना करती। तो हमने इन अज्ञानी अनजान सुरेशी संतों के अज्ञान के कारण हम इतना भेद बना बैठे थे एक आत्मा में, आत्मा वही बेटी और बेटे की। तो इस प्रकार हमारी इन नकली संतों ने हमारा समाज व्यवहार कति बिगाड़ दिया, हमारी सोच बदल रखी थी, जिस कारण से हम आधे से ज्यादा तो न्यों दुखी रहा करते थे। अब वर्तमान में आप देख रहे हो पुत्र, ये बुरी बात नहीं है पुत्र है, अब लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके आपका फिर पुत्र होते पुत्री आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बचपन से इस ज्ञान में भगवान के रंग में रंग जाएंगे और परमात्मा की शक्ति आपकी भक्ति से आपके साथ रहेगी। और मान ले कोई छोटा मोटा संस्कार में कोई निकम्मा बालक आ भी गया तो उसने मालिक ठीक करेंगे, सीधा करेंगे उसको, किसी प्रकार भी करें से आपको दुख नहीं होने देंगे। तो इसलिए परमात्मा की हम चाह में भटका करते थे कि वो सारे ही सुख दिया करता है। कबीर, हार्ड जले लकड़ी जले और जले जावण हारे, और देखण आड़े भी जले, अब किस तय करूं पुकार। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो किसी की मृत्यु होगी वो तो जले, और जो उसको जलाने जाएंगे एक दिन वो भी जलेंगे, और जो देख रहे हैं खड़े होकर के फलाना मर गया देखो उसकी चिता जले है और वो भी जलेंगे एक दिन, उनको भी वही जाना है। पर वो बुद्धि इतनी काम ना करती, इतना दबाव है हमारे ऊपर, प्रेशर है, नशा है, हमने डर ना लगता कि हम भी वही जाना है, हमने भी एक दिन वही जाना है। वो दिन याद कौन रखते हम, और वो अब याद रहेगा। मौत बिसारी बावड़े तन अतरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो अट्टे में लोने। एक भगत था, एक संत था, और वो संत पतला दुबला और ठीक सा था, और बाकी वो अपने जैसे किसी वस्तु को कोई चिंता हो जाए तो उसके चेहरे की उसकी फेस की आकृति कुछ अजीब सी रहती है। तो एक भक्त आता था उस संत के पास, बढ़िया फलों के दर्जन फल सेब संतरे लिया करता, तो वो देखा करता था कि महात्मा जी बहुत चिंतित से रहते हैं और बहुत ही ज्यादा स्वस्थ नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। और दूसरे भक्त वहां दूध लेते थे तो वहां देखता बढ़ा रहा करता दूध का, फलों की टोकरी बढ़ी रहती थी, वो संत जी औरों को दे देते थे प्रसाद रूप में, और फिर खीर खार बना के खिला देते थे, दूध आता था चाय पानी दूध पी लेते थे अपना थोड़ा बहुत जैसा पिया करते थे, बाकी भक्तों को पिला देते थे। तो वो एक धनी व्यक्ति जाता था, उनका सेवक काफी संतरे ले जाता, सेब ले जाता, अच्छे फल तड़ा गया था, कुछ दक्षिणा दिया था, तो साधु से प्रश्न करता था कि महाराज जी आप कुछ चिंतित छे रहते हो, क्या आप खाते पीते नहीं, आप पतले दुबले भी बहुत हो गए हो। महाराज जी कहने लगे भाई मैं खा लेता हूं जैसा रुचि बनती है। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा, दूसरे तीसरे दिन के महाराज जी क्या आपको कोई चिंता है, आप कुछ खाते पीते नहीं, आप। संत जी कहने लगे भाई मुझे बहुत चिंता है, और इसलिए मेरे को कुछ खाया पिया ना जाता। तो उसने उस धनी व्यक्ति ने सोचा भी साधु संतों की भी क्या चिंता हो है बता, महाराज जैसे गृहस्थियों ने तो सौ चिंताएं हो पर संतों को क्या चिंता। उसने कहा महाराज जी आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है। साधु ने कहा कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है, मेरी मैं मरूंगा,
इसलिए मैं मेरे पर ज्यादा रुचि खान पीन में नहीं, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होगी। तो संत कहने लगे जी कब होगी आपकी मृत्यु? अब उस भक्त ने सोचा कि अभी निकट भविष्य में ही शरीर छोड़ते होंगे दो चार दिन में। उस समय उस संत की 40-45 साल की आयु थी। उन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी 40 वर्ष बाद मृत्यु होगी, 40 वर्ष के बाद, और आज मेरी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो वो धनी भगत कहने लगे हे महाराज जी, यह भी कोई चिंता हुई? मरना तो सबने है, मृत्यु तो सबकी होगी, पर साधु संत भी ये चिंता करें, कमाल की बात है, खा पिया करो, मौज करो, है ये तो सबने मरना है क्या कर? अब प्रतिदिन आवे और यह बात कहे कि महाराज संत भी कदम मृत्यु तो डरा करें, ये तो सबने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लक्चर डाले। अब उस संत ने सोचा यो रोज दुखी करेगा, ला इसकी फड़क निकाल दूं। उसका मित्र था राजा संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे 10-20 दिन का, और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रख उसके पास, दूध भी फल भी खूब ठाट रखा से, बढ़िया घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ के सोच रहा है बड़ी गुंडी बनी है, तुमने किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं, देख फांसी सजा होगी, दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना डेढ़ महीना जो भी। अब वो दिन तारीख दर्ज दी 25 तारीख 24 10 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14 छठा अठम जैसे भी कोई रख दी। तो हम अपने उदाहरण के लिए उसको अठम रख दी जो एक महीने बाद थी, और एक कोठड़ी बंद कर दिया उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहां उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से, इसके पास से घूम निकले आगे को, उसने देखा श्रीयामा गए, गुरु जी गए, आवाज लगाई महाराज जी सुनियो महाराज जी वापस आए, वन्य देखे थे को होगा तो नहीं बोल लेगा, मैंने देखते ही कौन सेम है वो भगत, न देखे महाराज जी भाई कौन है तू, अगजी मैं वो फलाना सेठ से। और सेठ को भी पता था, उस धनी को भी पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की, और गुरुजी तक पोते संदेशा जब मैं बात करे, तो उसने बता दी मैं वो सेठ हूं फलाना राम, मैं विशंबर दास हूं। बोला अच्छा, अरे तू बहुत कमजोर हो गया बेटा, क्या बात है, बिल्कुल कमजोर हो गया, ये फल रखे है दूध रखा है, तू तो बहुत वीक हो गया, रहे खाता पीता कोई ना, लगना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरूहे का दी रोटी अंदर जाती है शरीर में, क्या बात होगी, अगर मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर गुरु जी, मेरे पर दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला रे खा पी मृत्यु तो सब की होनी है बेटा, खा देख दूध के गिलास भरे धीरे फड़ रहे, खा बेटा ठाटते मृत्यु सब, अरे नहीं महाराज जी कति मर गया मत है, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया भाई छोड़ दे भगत ने, ये तो निर्दोष है, तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने आठम दिखाई थी ना, उन्हें कहा रमन का आठम दिखाई दिए से कुछ नहीं खाया जाता, तो बेटा तने जिस प्रकार ये आठम दिखाई थी दिखा है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी आठम ने तू फांसी टूटेगा, डर बिना कहा
तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद हुआ अठ मन दिखाई देहा, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना कहें की रुचि, ना तू खास खाने में रुचि तेरी, एक ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ था उठा अठम के गुण गाऊं था, उस अठम पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी अठम और 40 साल पीछे आने वाली ऐसी ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिख रही। तो पुण्य आत्मा हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को, और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता है, घना स्वस्थ होगा तो। उसके बाद मान लिया चाहे तेरी 90 वर्ष की उम्र होगी तो बस बहुत मौत तो ही बुंडा जीवन है बाकी का। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से कर रहे हो तो आने वाला बुढ़ापा, बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नीता इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, क्योंकि वो तत्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्माओं, हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा कति नहीं थी, मृत्यु नहीं था वहां थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहां से जाने की रुचि बनाओगे, क्योंकि यहां इतने कष्ट हैं संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको यह भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंग जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा। यदि सतलोक नहीं गई, अब सतलोक में जाने के बाद आपकी पुनः जन्म नहीं होगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मृत्यु नहीं हो। आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे दो दिन आगे पीछे, समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता, चाहे कोई 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो रहा है और चला जाता ना बैठा जाता है, कभी सिर दुख है कभी सिर दुख है और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है, ऊपर लेमन तो कह भी दे भगवान मन उठा ले, लेकिन जब ठंड का टाइम आओ ना, जब उल्टा हटता है कोई भी हटे, जिनको ज्ञान नहीं, भगत नहीं और उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज नौका करती, हे भगवान मन उठा ले, मतलब दुखी दुखी हो ली इस परिवार तक, हे भगवान मन उठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज नौका मन उठा ले, तो उसने न्यू सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं उनको, आत्मा गोदा होती है। तो उस लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सर पर बड़ा साफा बांधा और उसने सींग पो लिए दो और हाथ में ले लिए गदा शिव प्रणाली कपड़े की, जो कोई नकली रामलीला रखा है हनुमान की, और पहले से टिमटिमाते ही दीवे व्या करते।
दीवा दिया ला, दीपक लगा दिया। और बुढ़िया का हटा गया मुंह पर तक कपड़ा, ने बोला बुढ़िया बोले सोशर चल तुझे लेने आया हूं। बुढ़िया ने देखे तो सचमुच आ गया यमदूत खड़ा है। ने बोला अरे भाई मन्ने की करेगी तो योर कुण बार, मन्ने की करेगा बुढ़ी ने योर कुतना कुण बारा किसे दे जा तू। ने बोला ना तेरा नंबर है। बोला अरे भाई तेरा आगे दोनों हाथ जोड़ो मन्ने ना दे जाए। तो फिर उसने उतार दिया सारा सात बात हटके हाथ धर दिया। तो इन्होंने बोला दादी क्यों मगज खाया करती रोजाना, मैंने ठाले ठाले मरी क्यों ना तू। ने बोली रे ढेड तने गढ़ दू तू था तंद डराजी थी मैं। तो भाई बात ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ करे हमने ठाले पर ठंड का टाइम आओ जब उल्टे उल्टे हटे हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु होगी। अब यहां से तो आपने मरना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना होगा और ये मालूम नहीं कब त्यागना पड़ गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वैसे अटकल से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी हो सकता है 10 साल 20 साल हमारी मृत्यु ना हो। अब कोई 60 साल का ने सोचा 20 साल तो 80 साल तो जीवाएं जीवाएंगे। और क्या पता ये रोज दुनिया की मृत्यु होने लग रही, कोई 20 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 50 साल का, कोई 60 वर्ष का। तो ये अटकलबाजी हमें डबोरी है। हमने भगवान से डरना चाहिए और याद रखो उस मौत को, प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना दो नंबर का काम कर सकते कि जाना दिखेगा आपने फिर। तो यहां तो से तो आपने जाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन्म या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहां से चलन के योग्य होंगे और ये रह रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सत्संग, फिर आप देखेंगे कि मेरी वर्ती बेटे में है कि बेटी में, पोते में है क्या पोती में, कोठी में या कार में। आप जिन्हें अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुलम हो गया मेरा, तभी इसमें आस्था है। और यहां आस्था आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहां आशा तां बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहां किसी भी चीज में आशा रहेगी आस्था रहेगी तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मनमाने यहां पर बैल बनकर आ जा और यहां आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी। ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आना नहीं देगा और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते तो फिर हमने यहां से तो जाना ही जाना है, भक्ति कर रहे हैं जो, उनके मन में ये आ जाना चाहिए कि फिर जन्म होगा तो फिर यह दुर्गति स्वरूप। मनुष्य जन्म भी हो गया तो मनुष्य जीवन में क्या सुख पाया अपना। आज हम 60 साल के हो गए, हमें पता है क्या मिला इस जीवन में और क्या हमारा था और क्या पराया था। तो इस ज्ञान के आधार से निर्णय हो जाएगा कि अगर फिर जन्म हो गया फिर वो प्रोसीजर, बेटा ना हो तो दुखी हो गए तो महादुखी, क्योंकि फिर उनके पालन में पोषण में कोई एका देगी मृत्यु हो जाए काल तो फिर रोजाना करे काम तो रो रो कर टक्कर मारेंगे, वह दुर्गति न्यारी। तो इन सब बातों को ध्यान रख के तो सच्ची श्रद्धा बना ले कि तो मरना पड़ेगा पर इसी जगह चला फिर मरना ना पड़े, यहां से तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अपना है ही नहीं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, मोह है या ना है। तो अपने परिवार में आप जी ने ऐसे रहना पड़ेगा जैसे एक गाड़ी रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है और उसमें आप सफर कर रहे हो, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा।
किसी का 2 घंटे का, किसी का 10 घंटे का सफर है, किसी का 24 घंटे का है वो। तो ऐसे ही आप जी इसको ऐसा समझ कर रहोगे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल में जाकर डटगे तो वहां सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको पता है कि मेरी नहीं है, उनका प्रयोग भी करना है उनमें, मेज कुर्सी पलंग टीवी वहां पर है, उनका पंखा कूलर एसी फ्रिज उनका प्रयोग भी करना है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि मेरी को ना, ये तो धनी की है। तो ऐसे ही ये सारा रेस्टोरेंट, ये होटल, ये काल का है और हमने किराए पर अपनी पूंजी जमा करा का यहां, तो ये कुछ समय का रहने का यहां पर मिला हुआ है और ये व्यवस्था बता दी, इस खेती में बना रखा, ये मजदूरी कर, ये ऐसे खा ले, ये यहां छोड़ रखा है। लेकिन ये अपनी नहीं, हम यहां होटल में कुछ दिनों के लिए सटे करे हुए। यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं बनेगी। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कैसी वृत्ति होती है। अब जैसे कोई पिछले जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया, आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं, और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी होया करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी छोड़ गया, तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्य आत्मा का, अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया, तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसके पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है, आओ महाराज जी बैठो जी, मैं बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी होते हैं, हमने भक्ति का ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो कहने उदाट कर वो किसान कहने लगा, कहा जी भक्ति तो मैं करता हूं, क्या भक्ति की, तो मंदिर में जाता हूं, शिव जी की पूजा करता हूं। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी करो। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी करांगे भाई, फिर उपदेश ले ले। अगना जी नहीं, ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये छोटे से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा, परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या किसान के 2 लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहे, खूब प्यार से सीने से लटा रखे होते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी देवता तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं और खेत का काम संभाल लिया, तू आ जा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जा हैं काम कर रहे हैं, और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूं, अब मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़े ही बच्चे पोते बुड्ढे हो जा थोड़े से, फिर मैं भक्ति करूंगा। बहुत कहने पर भी बोला ना बाबा जी दुखी ना करे मने, क्यों पोते घने पैरे लग गया करे, यह काल का एक भयंकर जाल आगे ओ बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोल रहे, कोई धमका दे कोई खुरका दे, और वो पोते बोल रहे अगरे पैरे पैरे, तो वो घने प्रिय लगते हैं। न बोले बाबा जी तू तो सब ऐसा ही, तेरे कोई लाग नहीं कोई संतान नहीं, तेने के पता संसार के उसका
है, कह दिया भक्ति कर ले, भक्ति नहीं होया करे, पोते बड्डे हो लेंगे फिर बात करूंगा तेरे से, फिर जरूर नाम ले लूंगा, पक्की बात हो ली, नो टाल टूट दिया। अब 4 साल के बाद फिर आए परमात्मा संत जी रूप में, तो गड़ा के पूछा कि भाई तुम्हारा वो कहां गए तुम्हारे पिताजी दादाजी, वो पता चला कि वो तुम मर गए, 4 साल हो गए मृत्यु होगी। मालिक को तो पता था, क्या था कि खेत में उन्हें का बैल बन गया, आके बैल बन गया, बैल की चुनी प्राप्त की और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, वो लड़का भी जाने था महात्मा कई बार आया करते, रोक दिया कहा महाराज जी का सियाना हुआ कि भाई डट जा तेरे बाबू, तो दो बात बतलाऊंगा। उस बैल के कान में निकट से जाकर कहन लगा, रहा भगत अब तो आजा मेरी शरण में, तेरा शरीर छुटवा दूं बैल का और नाम दे तेरे को मनुष्य जीवन दे दूंगा और तू चाल। देखिए दुखी हो रहा तेरा लठ लागे, तेरा बेटा लठ मारे हैं और तेरी के दुर्गति हो रही, तो के कह है वो बैल जो कह बाबा जी तू बोल रहे मत, अब मैं यहां से मर जाऊंगा, दूसरा बैल आ गया वो थोड़ा काम करेगा, मेरे बेटा नटोटा हो जाएगा, वो तेरा गजब हो। परमात्मा बोले अच्छा भाई कोई बात ना, ले धन बना तो बेटा गए। अब कुछ दिन के बाद वो बैल भी मर गया, मृत्यु के बाद वो सांप बन गया। अब सांप को याद होता है उसने कहीं धन गाड़ रखा, पहले जमीन में दबाया करते चोरों के डर से धन, जेवर दाग दिए, पैसे चांदी के वहां करते सिक्के वो लको दिए छुपा दिए, तो सर्प बनकर वो वहीं घूम रहा है। अब वो पुत्र वधुओं ने देख लिया, शोर मचाया सांप साप, उन बेटा ने मारा लठ उसका, वो मोरी में गए निकल गया, पर एक दो लाठी अच्छी लागी उसके, कंडेम हो गया बीच तय, वो सहज सहज धीरे धीरे सरक कर बोझड़ों में झाड़ दंग बोझड़ा में पड़ा। जब परमात्मा गए कहा सुना भगत जी अब आओगा मेरी शरण में, न्यू बेटा जी जान बचा दो मेरी और अपनी शरण में ले लो, मैंने देख लिया कोई नहीं किसे का। परमात्मा बोले साकड़ी तड़ुआ का आया तू मेरी शरण में, आया कह पर हड्डी तड़ुआ के पसड़ी तड़ुआ के, जब आई तरह समझ में कहे नहीं किसे का, और हम रोज रोन लाग रहे कोई किसे का, कोई ना अपनी भक्ति करो, कहते एक लेवा एक देवा दू तुम कोय किसे का, पिता नहीं पुतम ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंत में सब बारा बट। तो परमात्मा इतने दयालु है, फिर उसको शरण में लिया, दोबारा मानव जन्म दिया। आगे देखो वो सूतमा होगा कि ना, फिर वह बीमारी शुरू कर ले मनमाने। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, पुण्यात्मा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और ये ज्ञान नहीं मिलता आपके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य, बिना गिनती के असंख्य पुण्य आपके साथ हैं और विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी के आपके ऊपर है जो आप यहां पहुंच रहे हैं और ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है उन पुण्यात्माओं के न्यारे कर्म इस दुनिया। और परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव बोल सतगुरु देव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये सत्य संदेश हम सभी तक पहुंचा। असंग जन्म हो गए हमने इस काल के जाल में, इस भ्रमित ज्ञान के आधार से साधना करते हुए और जन्मते और मरते हुए, हमने इस अज्ञान आधार से ये मान लिया था कि जन्म और मृत्यु ये अटल विधान है और ये सदा बना रहेगा। इन तत्वज्ञान इन ऋषियों महर्षियों गुरुओं मंडलेश्वरों ने यही बता रखा था कि जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी,
जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया कि जो साधनाएं आप करते हो वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। प्रत्येक युग में परमेश्वर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताते हैं। अपने पाने की विधि यानी आप जी को सतलोक पहुंचाने की यथार्थ विधि वो स्वयं ही आकर बताते हैं, परंतु हम अज्ञान के आधार से इतने भ्रमित हो चुके होते हैं कि हम परमात्मा की वाणी को स्वीकार नहीं करते। जो समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है, यही समस्या परमेश्वर जी के सामने 600 वर्ष पूर्व उपस्थित थी, लेकिन आज जो समस्या है वो हल होगी व हो रही है, उसमें उसके हल होने का कोई विकल्प नहीं था। जब परमेश्वर 600 वर्ष पूर्व बनारस में काशी शहर में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूलों पर फूल पर वो परमात्मा सशरीर आए थे, और जब वो 5 वर्ष के हो गए थे प्रभु, उसी समय से ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान प्रचार करने लग गए थे, और बड़े बड़े धुरंधर विद्वान माने जाने वाले ऋषि महर्षियों को परमात्मा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, जिस कारण से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि परमात्मा कबीर देव जी को ये कहकर के अवॉइड कर देते थे कि ये तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, निअक्षर है, निरक्षर है ये, और ये वेदों और कतेबों गीता जी और पुराणों के विषय में गलत स्टेटमेंट दे रहा है। और जो ऋषि महर्षि थे मंडलेश्वर ब्राह्मण हिंदू धर्म के मार्गदर्शक, वो सभी शिक्षित थे यानी संस्कृत भाषा को जानते थे, और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को ये विश्वास हो गया कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, और ये भले ही कुछ शक्ति युक्त हैं, क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद से बहुत से दुख दूर हो रहे थे, तो जितने भी वो शिष्य थे परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे, वो परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक सुख के कारण, भौतिक सुख के कारण ही वो शिष्य बने थे, और जिस कारण से वे टिक नहीं पाए और परमात्मा के ज्ञान को जो वो बोला करते थे एक पुण्य आत्मा ने लिपिबद्ध कर लिया था। वो पुण्य आत्मा है धर्मदास जी, जो पहले ऐसे ही उलट ज्ञान से रंगे हुए थे और परमात्मा का बहुत विरोध कर रहे थे। तो उस समय तो इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों की दाल गल गई थी ये कह करके परमात्मा कबीर जी जो हैं ये अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, ये ऊट पटांग बातें बक रहे हैं, जिस कारण से परमेश्वर के उस ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया जो आज आप जी के समक्ष शिक्षित समाज के सामने अब ये दास रूबरू कर रहा है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये समर्थ प्रभु नहीं है।
ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री समझो, एक विभाग के मिनिस्टर हैं।